हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक नया मिंत्रा वर्सेस मीशो रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, एक आइटम हमने मंगाया है मिंत्रा से और एक मंगाया है मीशो से। दोनों सेम रहेंगे, मतलब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, इस तरफ मिंत्रा की एंड इस तरफ मीशो की, दोनों की इमेज सेम है लेकिन प्राइस का डिफरेंस है। तो ये कुर्ता सेट है पूरा, इसमें पैंट है, कुर्ता है और दुपट्टा भी है, ऐसा लिखा है इसमें। तो हम पहले मिंत्रा का ओपन करते हैं एंड देखते कि ये कैसा लगता है एंड देन विल ट्राई द मीशो वन। तो गाइस, ये मैंने ओपन कर लिया है। इसका प्राइस बहुत ज्यादा था, 19 समथिंग था, मतलब ऑलमोस्ट 2000 रुपीज हो जाता है। मुझे एक्सपेंसिव लगा, मुझे देखना कि इसमें 2000 लाइक क्या है। तो पता नहीं, ये प्लेन ही लग रहा है अभी पैकेज से निकल के, पहले ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। और ये मैंने साइज मंगाया है एस, पता नहीं एस होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, क्योंकि ये मेरा मतलब मैंने अपने बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से मंगाया लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसे पहनते हैं एंड देन इसका रिव्यू करते हैं। ये आउटफिट है मिंत्रा का, ये साइज एस है लेकिन इसकी फिटिंग थोड़ी वियर्ड है, मतलब मुझे यहां से परफेक्ट हो रहा है। पैंट भी बहुत कंफर्टेबल है लेकिन ना पीछे से ये अजीब सा ही हो रहा है, इसकी फिटिंग थोड़ी अजीब आई गेस। एम मुझे मंगाना था तो ज्यादा अच्छा हो जाता था। और इसके साथ मिला है दुपट्टा जो प्लेन है, पूरा सिंपल है और बस जो उसके बॉर्डर्स है उसमें एक सिल्वर लेस लगी है। और इसका मटेरियल भी आप देख सकते हो, बहुत प्रिटी सा है, डुअल शेड देता है तो बहुत सुंदर सा लग रहा है। ये अच्छा तो है बहुत, लेकिन मैं 1900 इस चीज के लिए नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मतलब मटेरियल इज वेरी नाइस, उतना मतलब 2000 जैसे लग नहीं रहा है, इतना एक्सपेंसिव दिखने में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकती हूँ। बाकी तो मटेरियल इज रियली नाइस, बहुत अच्छा मटेरियल है। और पैंट पे पॉकेट भी, कि आप अगर फोन कैरी कर रहे हो या पैसे कैरी कर रहे हो तो पॉकेट भी दिया है। ये कट वाला है तो अच्छे से मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ कि ऐसा दिखता है, इट्स रियली नाइस। अब हम ओपन करते हैं मीशो वाला एंड देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस दिखता है हमें, क्योंकि ऑलमोस्ट 1400 रुपीज का डिफरेंस है। आपने स्क्रीन पे देखे होंगे जब दोनों स्क्रीनशॉट्स मैंने पोस्ट किए थे, ऑलमोस्ट 1400 का डिफरेंस दिख रहा है। तो आई एम वेरी ईगर टू ओपन दैट पैकेट नाउ। ये रहा हमारा मीशो का पैकेट, सामने की डिजाइन तो सेम ही दिख रही है। ये आप देख सकते हो, कलर सेम है पूरा और डिजाइन भी सेम है। और ये साइज मैंने एम मंगाया क्योंकि मैं मीशो का हमेशा एक साइज बड़ा ही मंगाती हूँ। आई गेस मीशो की फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, अब पता नहीं कैसा होगा, तो इसे ट्राई करके देखते हैं। अब गाइज, ये है मीशो का कुर्ता सेट। तो पैंट तो हद से ज्यादा टाइट है, मतलब मुझे थाइज में परफेक्ट हो रहा है लेकिन वेस्ट में इतना टाइट है कि मतलब वो घुस भी नहीं पाता अच्छे से। मैंने साइज बड़ा भी मंगाया तब भी वैसे ही प्रॉब्लम हुआ, इसलिए ना मीशो का साइज का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दुपट्टा भी सेम, पूरा सेम मटेरियल है, ये भी बहुत शाइनी है जैसा मिंत्रा वाला था, ये पूरा सेम है। तो अगर दोनों में से प्रेफर करना तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ पैसे, वो वाला बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि दोनों के मटेरियल सेम है और दोनों दिखने में भी सेम है पूरे। तो आई विल डेफिनेटली चूज मीशो वन। और इसका थोड़ा सा कुर्ता कंफर्टेबल है लेकिन मुझे लग रहा है एल साइज परफेक्ट होगा, एक साइज दो साइज मुझे ज्यादा बड़े मंगाने पड़ेगा तो जाके ये अच्छी परफेक्ट सा लगेगा। तो इतना डिफरेंस है एंड दैट्स इट आई गेस। सो गाइज, आपने देखा जो मैंने दोनों आउटफिट्स मंगाए उसमें साइज का बहुत इश्यू है, मतलब एक परफेक्ट होता है तो एक बहुत ज्यादा टाइट रहता है या लूज रहता है, ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो मेरे को दोनों में से दोनों की फिटिंग अच्छी नहीं लगी, ना ही मिंत्रा की ना ही मीशो की। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना पड़ा तो मैं मीशो वाला चूज करूंगी, क्योंकि उसका सेम मटेरियल है, मिंत्रा और मीशो का पूरा सेम मटेरियल है लेकिन मीशो की प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली मैं मीशो वाला चूज करूंगी। आप भी मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा चूज करोगे। एंड अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो इनकी प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सो यहाँ पे हम ये ब्लॉग खत्म करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।